गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आइए अब पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपने पिछली क्लास में क्या सीखा था? आपने पिछली क्लास में राउंडेड रेक्टेंगल पेंसिल टूल ब्रश टूल के बारे में सीखा था। क्या आप बता सकते हैं रेक्टेंगल टूल और राउंडेड रेक्टेंगल टूल में क्या अंतर होता है? रेक्टेंगल टूल से जब आप कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसके कॉर्नर बिल्कुल सीधी लाइन से मिली हुई होते हैं, पर जब आप राउंडेड रेक्टेंगल को ड्रैग करते हैं तब इसके चारों कॉर्नर पर गोल की तरह घुमा हुआ रहता है। क्या आप बता सकते हैं पेंसिल टूल की मदद से आप क्या-क्या कार्य कर सकते हैं? पेंसिल टूल से आप पेंट की शीट पर कुछ भी लिख या फिर किसी प्रकार की ड्राइंग को बना सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं ब्रश टूल क्या होता है? ब्रश टूल से आप किसी भी चित्र को अलग-अलग डिजाइन में बदल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं ब्रश टूल कितने प्रकार के होते हैं? ब्रश टूल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एयर ब्रश, कैलीग्राफी, ऑयल ब्रश और भी कई प्रकार के होते हैं। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें और फिर पेंट की फाइल को ओपन करें। आइए अब जानते हैं कि आज की क्लास में आप क्या सीखेंगे। आज की क्लास में आप सभी राउंडेड रेक्टेंगल, पेंसिल टूल और एयर ब्रश टूल इत्यादि की मदद से चित्र को बनाएंगे। सामने दिए गए चित्र को देखें और बताएं इस चित्र को क्या कहते हैं। यह चित्र एक डाइस का है। क्या आप सभी बता सकते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे? इस चित्र को बनाने के लिए आप सभी राउंडेड रेक्टेंगल और ओवल टूल के साथ साथ कलर वन और कलर टू का भी उपयोग करेंगे और इरेजर टूल का भी उपयोग करेंगे। अब आप सभी इस चित्र को बनाकर दिखाएं। अगर कोई समस्या होती है तो वीडियो को देखें और इस चित्र को बनाएं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे। इस चित्र को बनाने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आए और राउंडेड रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें। उसके बाद फिल पर जाएं, सॉलिड कलर को सेलेक्ट करें, कलर वन को ब्लैक करें, फिर कलर टू को सेलेक्ट करें। उसके बाद कलर टू में भी कलर को लें। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स को ड्रैग करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और बॉक्स को ऐसे ड्रैग करें। या फिर इसे अंडू करके हटा दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। कलर टू को वाइट कर लें, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे जाएं, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को चेक कर लें कि वहां पे टिक सही का निशान है या नहीं, और इस पूरे को सेलेक्ट कर लें, पहले वाले बॉक्स को, और फिर उसे कॉपी पेस्ट कर लें और पिक करके यहाँ पे रख लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर आप लाइन टूल को सेलेक्ट करें, कलर टूल को वाइट कर लें, लाइन टूल को सेलेक्ट करें और यहाँ पे ऐसे लाइन को ड्रैग करें। फिर उसके बाद यहाँ पे लाइन को ड्रैग करें, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और लाइन को ड्रैग कर दें। इरेजर टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ पे ऐसे इरेज कर दें।
जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिल विथ कलर को सेलेक्ट करें, कलर वन को सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे कलर को भर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद ओवल टूल को सेलेक्ट करें, फिल पर जाएं, सॉलिड कलर को सेलेक्ट करें, कलर वन को ब्लैक करें, कलर टू को सेलेक्ट करें, इसे भी ब्लैक करें और यहाँ पे एक ओवल टूल को ड्रैग कर दें। कलर टूल को सेलेक्ट करें, उसे वाइट करें, फिर सेलेक्ट टूल पे जाएं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को लें और फिर इस ओवल को सेलेक्ट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और फिर इसे कॉपी पेस्ट कर लें और उसे पिक करके यहाँ पे रखें। फिर एक बार और पेस्ट कर लें, पिक करके यहाँ पे रखें, फिर एक बार और पेस्ट करें, पिक करके यहाँ पे रखें। ध्यान रहे अगर पेस्ट करने के टाइम इसके बैकग्राउंड वाइट कलर से आ रहा हो तो आप सेलेक्ट टूल पे जाके ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को सेलेक्ट कर लें, दोबारा से एक बार फिर पेस्ट कर लें, पिक करके यहाँ पे लेकर आएं, फिर एक बार और पेस्ट करें, पिक करके यहाँ पे लाएं, फिर पेस्ट करें, पिक करके यहाँ पे लाएं। फिर पेस्ट करें, पिक करके यहाँ पे लाएं। फिर पेस्ट करें, पिक करके यहाँ पे रखें, फिर पेस्ट करें, पिक करके यहाँ पे रखें। 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 अब इस वाले ओवल को पूरा सेलेक्ट कर लें और यहाँ से पिक करके यहाँ पे रखें। इस तरह से आप इस चित्र को बना सकते हैं। अगला चित्र बैट का है। आप इस चित्र को खुद से बनाकर दिखाएं। अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो आप वीडियो की मदद से देखकर चित्र को बना सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि बैट का चित्र को कैसे बनाएंगे। आप सभी अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आए, उसके बाद राउंडेड रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें, फिल पे जाएं, सॉलिड कलर लें, कलर वन को सेलेक्ट करें, फिर कलर टू को सेलेक्ट करें, दोनों में सेम कलर लें, उसके बाद यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर दें। कलर वन को सेलेक्ट करें, कलर को चेंज करें, कलर टू को भी चेंज करें, दोनों में सेम कलर लें और फिर यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर दें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप इस चित्र को बना सकते हैं। अब सामने दिखाए जा रहे चित्र को देखें। यह फेस का चित्र है।
क्या आप बता सकते हैं कि इस चित्र को बनाने के लिए कौन-कौन से टूल का उपयोग किया गया है? इस चित्र को बनाने के लिए बहुत से टूल का उपयोग किया गया है, जैसे कि ओवल टूल, कर्व टूल, लाइन टूल, एयर ब्रश टूल, कलर वन, कलर टू का उपयोग किया गया है। क्या आप सभी इस चित्र को बना सकते हैं? अब आप इस चित्र को बनाएं। अगर फिर भी कोई समस्या हो, तो दिखाया जा रहा है वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे। इस चित्र को बनाने के लिए जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, ओवल टूल को सेलेक्ट कर लें, फिल पर जाएं, सॉलिड कलर को सेलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, कलर वन को सेलेक्ट करें, कलर वन में कलर को चेंज करें, कलर टू को सेलेक्ट करें, इसमें भी कलर को लें, फिर उसके बाद यहाँ पे पेंट के शीट पर एक ओवल टूल को ड्रैग कर लें, जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद अपने पॉइंटर को साइड में रखें और एक बार लेफ्ट बटन को दबा दें या क्लिक कर लें। फिर उसके बाद कलर वन पे जाएं या क्लिक कर लें। कलर वन कलर टू दोनों को व्हाइट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे ओवल टूल को ड्रैग करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद कलर वन को सेलेक्ट करें, ब्लैक करें, कलर टू को भी ब्लैक कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद ओवल टूल को सेलेक्ट करें, फिल पर जाएं, सॉलिड कलर ले लें, और यहाँ पे एक छोटा सा ओवल को ड्रैग कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। कलर टू को रेड रखें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेलेक्ट टूल पे जाएं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को लें और इस वाले ओवल को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद कॉपी पेस्ट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और फिर उसे पिक करके यहाँ पे लेकर आएं। फिर आप कर्व टूल को सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करें, कर्व टूल को ड्रैग करने के बाद यहाँ से इसे खींच लें या ड्रैग कर लें या फिर रोटेट कर लें, और फिर यहीं पे एक बार और लेफ्ट बटन को दबा दें। उसके बाद आप ओवल टूल को सेलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, और फिर अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आएं, कलर वन कलर टू दोनों को रेड कर लें, और यहाँ पे ऐसे ओवल को ड्रैग कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आएं, और फिर यहाँ पे भी एक ऐसे ओवल को ड्रैग कर लें।
फिर उसके बाद लाइन टूल को सेलेक्ट कर लें, कलर वन को ब्लैक करें और यहाँ पे एक ऐसे लाइन को ड्रैग कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद कर्व टूल को सेलेक्ट करें, यहाँ पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग कर लें। और उसे ऐसे नीचे की तरफ रोटेट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहीं पे क्लिक कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे सीधी एक लाइन या कर्व टूल को ड्रैग कर लें। कलर वन को सेलेक्ट करें, कलर को चेंज करें फिल विथ कलर पे जाएं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और यहाँ पे कलर को भर दें। ब्रश टूल पे जाएं, एयर ब्रश को सेलेक्ट करें, कलर वन को ब्लैक करें और फिर यहाँ पे ऐसे एयर ब्रश के द्वारा कलर को ड्रैग कर दें या कलर भर दें जिससे कि आप हेयर को बना सकते हो या बना सकते हैं। एयर ब्रश को ड्रैग करने के लिए आप अपने टच पैड या माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और फिर उसे मूव कराएंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप इस चित्र को बना सकते हैं। सामने दिए गए चित्र को देखें, यह एक प्रकार का सीनरी अथवा गार्डन का है जिसके अंदर पेड़, ग्रास यानी कि घास, फूल, माउंटेन, सनफ्लावर को दिखाया गया है। क्या आप सभी बता सकते हैं इस चित्र को कैसे बनाएंगे? इस चित्र को आप सभी रेक्टेंगल टूल, लाइन टूल और एयरब्रश टूल के द्वारा बनाएंगे। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद यहाँ पे ऐसे पेंट के शीट पर रेक्टेंगल टूल को ड्रैग कर लें। फिर उसके बाद लाइन टूल को सेलेक्ट करें, और यहां पे ऐसे एक सीधी लाइन को ड्रैग कर लें। साइज पर जाएं दूसरे नंबर के साइज को सेलेक्ट कर लें। ब्रश टूल पे जाएं, पहला वाला ब्रश का टाइप सेलेक्ट कर लें, कलर को चेंज कर लें कलर वन को और उसके बाद यहाँ पे ऐसे ब्रश टूल के द्वारा ऐसे एक बीच में लाइन को ड्रैग कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर ऐसे ड्रैग कर दें। उसके बाद ब्रश टूल पे जाएं,
एयरब्रश टूल को सेलेक्ट कर लें। कलर वन को चेंज कर लें और एयरब्रश के द्वारा यहाँ पे कलर को भर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जैसे जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे ही आपको एयरब्रश टूल के द्वारा कलर को भरना है। एयरब्रश टूल का उपयोग करने के लिए आप सभी अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और फिर इसे मूव कराते रहेंगे, जिससे कि आप एयरब्रश टूल के द्वारा कलर को भर सकते हैं। फिर अब यहाँ पे वैसे ही एयर ब्रश टूल के द्वारा इस साइड भी कलर को भर दें। या फिल कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जैसे जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे ही आप कलर को फिल करें। कलर को चेंज कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और फिर ऐसे कलर को भर दें। फिर यहाँ पे दूसरे साइड भी वैसे ही कलर को भर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। कलर को चेंज करें और यहाँ पे एयरब्रश टूल के द्वारा कलर को भर दें। कलर वन को चेंज करें और फिर यहाँ पे कलर को ऐसे भर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आए, कलर को चेंज करें और यहाँ पे कलर को भर दें। फिल विथ कलर को सेलेक्ट करने के बाद कलर वन को चेंज करना है और फिर यहाँ पे कलर भर देना है। उसके बाद आपको ब्रश टूल पे जाना है, क्लिक करना है और यहाँ से
दूसरे नंबर का ब्रश का टाइप्स को सेलेक्ट करना है और फिर कलर वन को चेंज करना है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको ब्रश टूल के द्वारा ड्रैग करके चित्र को बनाना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद आप ब्रश टूल पे जाएं और तीसरे नंबर के ब्रश को सेलेक्ट करें, कलर वन को चेंज कर लें और यहाँ पे ऐसे ब्रश टूल के द्वारा एक लाइन को ड्रैग कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे ड्रैग करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ ब्रश टूल को ड्रैग करते हुए लेकर आए और यहाँ पे ऐसे ऐसे बना लें। अगर गलती होता है, मिस्टेक होता है, तो आप उसे अंडू करके हटा सकते हैं। ब्रश टूल पे जाएं, क्लिक करें और तीसरे नंबर के ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लें। उसके पहले आप कलर वन को चेंज कर लें। फिर से कलर वन को चेंज कर लें और यहाँ पे ऐसे ब्रश टूल के द्वारा ड्रैग कर दें जिससे कि आपका ट्री बन जाएगा। फिर आप कलर को चेंज कर लें और यहाँ पे ब्रश टूल के द्वारा ड्रैग कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। कलर वन को चेंज करें, यहाँ पर कलर को फिल कर दें या भर दें ब्रश टूल के द्वारा। ब्रश टूल पे जाएं, क्लिक करें, तीसरे नंबर के ब्रश के प्रकार को सेलेक्ट करें, कलर वन को चेंज करें फिर ब्रश टूल पे जाएं, ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लें, कलर वन को चेंज कर लें और यहाँ पे ऐसे एयर ब्रश टूल के द्वारा कलर को भर दें। फिर कलर वन को चेंज करें, ब्रश टूल को सेलेक्ट करें, तीसरे नंबर के ब्रश टूल के टाइप्स को सेलेक्ट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और यहाँ पे ऐसे बना लें। फिर से ब्रश टूल पे जाएं, कलर को चेंज कर लें उसके पहले सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पे ऐसे ड्रैग करें, फिर अपने पॉइंटर को कलर पैलेट के अंदर ले जाएं, कलर को चेंज कर लें और यहाँ पे कलर को भर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। कलर वन को चेंज करें, ब्रश टूल पे जाएं, तीसरे नंबर वाले कलर ब्रश को सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर दें या कलर भर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। कलर वन को चेंज करें, यहाँ पर फिर कलर को भर दें। कलर वन को चेंज करें, पॉइंटर को पेंट के सीट पर लेकर आए और यहाँ पे कलर को भर दें या फिर आप कलर को चेंज कर लें।
और यहाँ पे ऐसे बना लें। फिर ब्रश टूल पे जाएं, ब्रश टूल के टाइप्स को सेलेक्ट करें, कलर वन को चेंज कर लें। फिर यहाँ पे कलर को ऐसे भर लें। ब्रश टूल पे जाएं, तीसरे नंबर के टाइप्स को सेलेक्ट करें ब्रश का, कलर वन को चेंज करें। फिर यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लें ब्रश टूल के द्वारा, या ऐसे बना लें। फिर उसके बाद बीच में ऐसे ब्रश टूल के द्वारा इसे ड्रैग करें। ब्रश टूल पे जाएं, एयर ब्रश टूल को सेलेक्ट करें, और यहाँ पे कलर को भर लें। कलर वन को चेंज कर लें, ब्रश टूल को सेलेक्ट करें, और यहाँ पे ऐसे बना लें। फिर ब्रश टूल पे जाएं, एयर ब्रश टूल को सेलेक्ट करें और यहाँ पे कलर को भर लें। कलर वन को चेंज करें, रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करें, फिल पे जाएं, सॉलिड कलर लें, कलर टू को सेलेक्ट करें, दोनों में सेम कलर लें जो कलर वन में है, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे ओवल टूल को सेलेक्ट करें, ना कि रेक्टेंगल टूल को। कलर वन और कलर टू दोनों में सेम कलर, फिल सॉलिड कलर, और यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। ब्रश टूल पे जाएं, एयर ब्रश टूल को सेलेक्ट करें, कलर वन को वाइट करें, और फिर यहाँ पे ऐसे एयर ब्रश टूल के द्वारा ऐसे ड्रैग कर लें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे ऐसे एयर ब्रश टूल के द्वारा ड्रैग कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर आप कलर वन को चेंज कर लें और यहाँ पे ऐसे एयर ब्रश टूल के द्वारा ड्रैग कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से आप इस चित्र को बना सकते हैं। क्योंकि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, आप सभी अपने फाइल को क्लोज करें और कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करें। आज की क्लास में आपने जो चित्र बनाया वह कुछ इस प्रकार से हैं। डाइस, बैट, फेस, गार्डन या सीनरी के चित्र को बनाया।